प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम प्रत्येक ई व्याख्यान में हम कोई ना कोई नई चीज को सीखते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, उसी प्रकार अब हमारा जो मेन फोकस है वो सबमिशन फाइल पे है और आप इन ई व्याख्यानों को बहुत ही गंभीर भाव के साथ में देखें, सीखें। और मैंने जैसे अभ्यास करते हुए आपको समझाया है, उसको आप अच्छे तरीके से करें तो निरंतर अभ्यास करने से ही आप सबमिशन फाइल को पूरा कर पाएंगे। और इसमें आपको इन्हीं लेक्चर्स को आप तो देख ही रहे हैं और अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अभ्यास कर रहे होंगे, बना रहे होंगे सबमिशन फाइल। और आपके जो सहपाठी हैं सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के जो सहपाठी हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, फर्स्ट ईयर के जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनको भी आप ये आपके पास ये जो सामग्री होती है उसको आप साझा करें, तो आपके साथ साथ उनका भी ई लेक्चर बनाने का, मेरा जो बहुत मेहनत से जो ई लेक्चर मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी इस मेहनत को आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अपनी सबमिशन फाइल को बना रहे हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में आज नया कुछ बनाने के उद्देश्य से मैंने कुछ कि कैसे आपको लाइव स्टडी, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट वगैरह का बेसिक कैसे करेंगे। तो आज हम कुछ अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे आप इसको ड्रॉ करें। तो कुछ कुछ बनाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से ये लाइफ स्टडी ह्यूमन फिगर और बनाने के लिए अति आवश्यक है। इसको आप अधिक से अधिक बनाएं और एक बार नहीं ट्राई करते रहें, दो बार नहीं ट्राई करते रहें, आप इनको बनाने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं ट्राई करते रहें, आप बनाने का प्रयास करते रहें तो आपको निश्चित रूप से आपकी सबमिशन फाइल विद इन टाइम जमा हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को बनाएं और प्रयास करते रहें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो सबमिशन फाइल जमा कराने में, तो आप इनको ड्रॉ करते रहें तो आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहे।
पेंसिल की लाइट एंड शेड का आप विशेष ध्यान रखें। जिससे कि आपको सबमिशन जमा कराने का समय आप लोगों के पास आ गया है, तो आप इनको बनाने का अच्छा प्रयास करें। निरंतर अभ्यास करते रहें। अगर कोई व्यक्ति चित्रकला में अभ्यास को छोड़ देता है तो वो उसका चित्रकला में अभ्यास कम पड़ता जाता है। कुछ न कुछ ड्रॉ करते रहें, कुछ न कुछ बनाते रहें। जिससे कि आपको सबमिशन फाइल जमा कराने में किसी प्रकार की कोई कमी कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि सबमिशन फाइल के मार्क्स से हैं। सबमिशन फाइल को पहले की लेक्चर में मैंने नाक का नाक कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया, तो दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने एलाबरेट करके भी बताया, नए चीज़ को करके भी बताया, और पेंसिल शेडिंग के बारे में भी बताया कि कैसे पेंसिल शेडिंग के साथ में कार्य किया जाता है, तो उसके बारे में भी बताया। मैंने अच्छे अच्छे कलाकारों के कार्य के बारे में भी बताया। डरे नहीं, कोई भी पेंसिल को चलाने से किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सबमिशन फाइल तो जमा करानी पड़ेगी आप लोगों को। साल भर में क्या किया, इन्हीं व्याख्यानों को क्या इन्हीं व्याख्यानों का कितना लाभ उठाया, ये तो आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके लिए थर्ड ईयर वालों के लिए तो भी स्पेशल ये है कि उनके दोनों प्रैक्टिकल्स हैं, थ्योरी नहीं है। इसलिए उनको और उनको तो सचेत रहना ही है। किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे कि इस प्रकार को कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि आपको किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
कैसे कैसे किसी भी प्रकार का कोई मैटर को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लाइव स्टडी में, ह्यूमन लाइफ स्टडी में, पोर्ट्रेट में आपको अच्छे से अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से कोई चीज़ बनानी है। किस प्रकार की लापरवाही रखी हमने, पहले भी आपको बताया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी पहले के ही लेक्चर में भी बताया था। और इसी के साथ में कोई कार्टून वगैरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो सभी संभव है। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करते रहना चाहिए। बनाते रहना चाहिए जिससे कि आप फ्री हैंड स्केचिंग कर सकें और अपनी सबमिशन फाइल को जमा करा सकें। अधिक से अधिक कार्य करें तो निस्संदेह आपका अच्छा कार्य होगा। थैंक यू वेरी मच।